नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली। ऐसे वीडियो ना कभी आपने देखा होगा ना इन जानकारियों के बारे में जाना होगा, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आने वाला चार दिनों का दिन किस प्रकार परिवर्तन होने वाला है, जो कि 9, 10, 11 और 12 जून का समय रहेगा। दोस्तों, आपके जीवन में बदलते हुए समय के साथ साथ आपका दैनिक दिनचर्या भी बदल, समय के साथ आपके जीवन में दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा, गहन कार्य इत्यादि अपने शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा वह कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतनी हो सकती हैं, जो कि आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा। उनसे पहले इस वीडियो का कोई से भी पार्ट अगर आपको अच्छा लग जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का दिन का समय बहुत खास होने की संभावनाओं के निर्माण होने वाले, जीवन में सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपके ग्रह गुजर बदलाव हो सकते हैं। आपके चंद्र राशि में शनि के आठवें भाव में महजूद हैं। महजूद होने के कारण भी आपको इस दौरान नकारात्मकताओं को भी अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव होता है तो ताज़ा रखने के लिए अच्छी तरह से आपको कहेंगे, अच्छी तरह से आराम कर लें। उनसे आप केवल न केवल अच्छा और खान पान और सचनामक तो पाएंगे, बल्कि आपके सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी सुधार होता दिखाई देगा, जिनसे आप कई नए निर्णय लेने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। चंद्र राशि में बृहस्पति दसवें भाव में महजूद होंगे, इसलिए बिना विचार किए आपको किसी भी प्रकार के अपने पास किसी को नहीं देने चाहिए, अन्यथा आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अपने घर धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी अच्छा समाचार मिल सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती पार्टी करते हुए अपनी खुशी मना सकते हैं, परंतु इस दौरान आप लोगों का शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है। मौत मस्ती के चक्कर में आकर घर पर छवि को लेकर खराब ना होने दें और ऐसा भी कुछ करने से बचें जिसके कारण भी आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। इस दौरान पहले के मुकाबले सारी चीज़ें कई कार्य क्षेत्रों पर बेहतर नजर आएंगी। आपको खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा। आप भारी कार्य को लेकर दुगुनी ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और आपकी मेहनत देखकर आपके अधिकारी भी आपसे खुश हो सकते हैं, जिनसे आप लोगों के वेतन में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आपको अपने अध्यापकों से अच्छे रूप से संबंध बनाकर रखने में सफल हो सकते हैं, ऐसी संभावना बढ़ रही है, उनको आपसे खुश हो जाए। इसका प्रभाव आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपके हित में कार्य करेंगे। कई छात्रों को इस दौरान आपको जीवन में स्कूल या कॉलेज से या स्कॉलरशिप मिल जाने के योग बन रहे हैं। संभव हो चुका है कि जीवन साथी की बेकार की मांगें आपको गुस्सा दिला सकती हैं। इसके कारण भी आप उन्हें भुला कर भी सकते हैं, भला बुरा भी कह सकते हैं। प्रतिदिन आपको 44 बार ओम मंडाहे नमः का जाप करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और जीवन में सफलता की पीढ़ी चढ़ोगे। आप अक्सर आप दोस्तों के लिए ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा करते दिखाई देंगे। इस दौरान आप लोगों को दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा और धन खर्च करना आपके प्रेमी को खल कर सकता है। संभव हो चुका है कि इस बारे से आप खुद को बात करें, परंतु आप उन बातों को जरूरत से ज़्यादा महत्व बना दें। इनसे आप लोगों का रिश्ता खराब हो सकता है। यह गुस्सा आप ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा, पर जैसे ही शांत आप होंगे स्वयं भी जीवन साथी को कोई उपहार भेंट करते हुए उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। ऐसे में आप शुरू में ही अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लेंगे तो संभव हो चुका है कि आप अपने एक दो दिन बर्बाद होने से बचा सकते हैं और आप लोगों का दिन शुभ और बेहतर कार्य होने वाले हैं। जय बाबा बिंदुवासिनी, जय महालक्ष्मी।